कुल्लू जिला मुख्यालय में जनसंख्या नियंत्रण दिवस के मौके पर एनसीसी के छात्र छात्राओं ने जागरूकता रैली निकालकर लोगों को जनसंख्या नियंत्रण और प्रदूषण की गंभीर समस्याओं के बारे में जागरूक किया। देश में जनसंख्या नियंत्रण के लिए कम बच्चे छोटा परिवार सुख का आधार थीम पर ये जागरूकता रैली आयोजित की गई थी। कुल्लू जिला मुख्यालय में जनसंख्या नियंत्रण दिवस के मौके पर एनसीसी के छात्र छात्राओं ने जागरूकता रैली निकालकर लोगों को जनसंख्या नियंत्रण व प्रदूषण की गंभीर समस्या के बारे में जागरूक किया। देश में जनसंख्या नियंत्रण के लिए कम बच्चे छोटा परिवार सुख का आधार की थीम पर ये जागरूकता रैली आयोजित की गई। एनसीसी की कैडेट सीनियर ऑफिसर रजनी ने बताया कि इस रैली को जनसंख्या नियंत्रण व प्रदूषण के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से आयोजित किया गया है। उन्होंने कहा कि भारत देश विश्व में जनसंख्या के लिहाज से दूसरे स्थान पर है और देश में जनसंख्या पर नियंत्रण नहीं हुआ तो आने वाले समय में देश में प्राकृतिक संसाधनों की कमी हो जाएगी, जिससे देश में लोगों को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि देश में हिंदू हो या मुस्लिम, सिख हो या ईसाई, सभी धर्मों के लोगों को इस विषय को गंभीरता से लेना होगा, जिससे देश में बढ़ रही जनसंख्या पर नियंत्रण हो सके। भारी मात्रा में रैली निकाली जा रही है। ये रैली मेगा पोल्यूशन अवेयरनेस अखाड़ा के थ्रू निकाली जा रही है और इसका मकसद है कि लोगों को जागरूक किया जाए। तो इसका मेन मकसद है कि पॉपुलेशन, जो आजकल जनसंख्या विस्फोट हम कहते हैं, उसकी तरफ लोगों को जागरूक करना, और दूसरा प्रदूषण, जो आज के समय में बहुत ही गंभीर समस्या बन चुकी है, उसकी ओर भी लोग ध्यान दें। इसके लिए हमारा बहुत प्रयास है और ये रैली इसी के लिए निकाली जा रही है। देखिए, ये अवेयरनेस कैंपेन कई दिनों से चलता आ रहा है। हम लोग कई दिनों से लोगों को जागरूक कर रहे हैं, कई तरह के लेक्चर्स चल रहे हैं, कई तरह के हमने कल परसों नुक्कड़ नाटक के माध्यम से भी लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया था। तो अभी अवेयरनेस कैंपेन कई दिनों से चलते आ रहे हैं और कई सालों से चलते आ रहे हैं और लोग काफ़ी हद तक जागरूक भी हैं, तो लोगों को अब इन चीज़ों पर इम्प्लीमेंट करने की अधिक आवश्यकता है। सिटी चैनल के लिए कुल्लू से दिलीप ठाकुर की रिपोर्ट।